तो अभी आप देख रहे हो दोस्तों, ये जामा मस्जिद का गेट नंबर 3 है और ये है बड़ा सा जामा मस्जिद अपना। और अभी आप देखिए मार्केट में ये क्या बेच रहे हो अभी फिलहाल? ये बच्चों का आइटम है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बच्चों को पैसे नहीं देता, ठीक है? मैं बच्चों को पैसे नहीं देता क्योंकि वो अगर पैसे दूंगा तो फिर आदत तुम्हारी ज़्यादा ख़राब होगी, फिर और तुम 20 सड़कों पर चलना शुरू कर दोगे। पान खा रहे तुम? पान है? क्या उम्र है तुम्हारी? जो है ना वो धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, भीड़ अंदर बहुत ज़्यादा जमा होने वाली। देखिए जो अंग्रेज़ जो होते हैं टूरिस्ट, वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए लगाता है ना, ये देखिए। और ना मैं अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कहाँ पे मिलते हैं आपको जो पटाखे होते हैं, है ना? तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यस, मेरा नाम है रोशन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ब्रो। तो दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ दिल्ली जामा मस्जिद। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे पटाखों की लाइन। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में पूरी तरह से मार्केट के अंदर में पटाखे बैन हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा क्या सच में पटाखे बैन हो चुके हैं या क्या है, सारी चीज़ लाइव दिखाऊंगा। और आपको बताने वाला हूँ कि मैं आपको दिखाऊंगा ये भी कि यहाँ पे क्या बच्चों के जो है सामान बिक रहे हैं, जैसे बच्चों के पटाखे वगैरह, ग्रीन क्रैकर्स वगैरह मिल जा रहे हैं, सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। और भी आपको जो डेकोरेशन घर के जो सामान होते हैं वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप लोग को ब्लॉग के अंदर में बने रहना है, शुरू से लेकर अंत तक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना है, और ये भी बताना है आप कौन से स्टेट से देख रहे हो तो मुझे पसंद आएगा, मैं उसका रिप्लाई टाइम से कर दूंगा। चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जामा मस्जिद का गेट नंबर 3 है और ये है बड़ा सा जामा मस्जिद अपना। और अभी आप देखिए मार्केट में कितनी शांति फैली हुई है, यहाँ पे रिक्शे वगैरह लगे हैं। अगर ये मार्केट के अंदर में पटाखे बिक रहे होते ना तो खूब सारा भीड़ होता है, रिक्शे भी यहाँ पे नहीं खड़े होते। और ये देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ है, देखिए यहाँ पे। और ये देखिए दमकल केंद्र, ये है दमकल केंद्र यहाँ पे, है ना? और उसके बाद में यहाँ पटाखों की लाइन है जो कि आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा सन्नाटा है। अभी आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से यहाँ पे कुछ भी, कोई भी दुकानें यहाँ पर अभी नहीं खुली हुई हैं। देखिए आप देखिए दुकानें पूरी तरह से बंद हो रखी हैं, और ये देखिए पब्लिक है ही नहीं मार्केट के अंदर में। जबकि अगर पटाखे दिल्ली के अंदर मिल रहे होते तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ रही होती, इतनी ज़्यादा रश लगी होती यहाँ पे, है ना? कोई भी नहीं है मार्केट के अंदर में, बस ये कि ट्रांसपोर्टेशन चालू है यहाँ पे। इस लाइन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही हैं आप देख सकते हो, और वो भी पूरी तरह से नहीं चल रही। देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे खाली खाली सब दिख रहा है। देखिए दुकानें वही चीज़ें मिल रही हैं आपको, बस जो है जो कि वैसी चीज़ों में डील करते हैं वही आपको दुकानें दिख रही हैं। देखिए ऊपर से नीचे सब जो है यहाँ पर खाली खाली हो रहा है। देखिए आप दोस्तों कि देखिए छोटे छोटे आपको पटाखे मिल जाते हैं। तो अभी आप देखिए मैं आपको आगे भी लेकर के चलता हूँ, वहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है, कि पटाखे वगैरह आपको कौन से मिल रहे हैं आप देखिए। और अभी आप देखिए यहाँ पे ग्रीन पटाखे मिल रहे हैं, और ये आपको एक वार्निंग आप जो है एक चिट लगी हुई है, दिल्ली सरकार के आदेश अनुसार पटाखों की बिक्री पर पाबंदी है, बार बार पूछकर परेशान न करें। देखिए इस तरह से आपको ये मिल जाता है, और पूरी तरह से बैन है। धीरे धीरे भारत में भी बैन हो सकता है पटाखे, क्योंकि ये हमारे ईगो को काफ़ी हट करता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, आप लोग समझ ही सकते हो। देखिए जहाँ जहाँ देखोगे आप ना पटाखे, वो वैसे बच्चों के लिए बेची जा रही हैं जो कि बच्चे उससे थोड़े खुश हो जाएं। ये ईगो फ्रेंडली वाली चीज़ें आप देख सकते हो, है ना? ये देखिए जिस तरह से पटाखे आपको छोटे बच्चों के लिए मिले, बच्चों के हैं ना ये, छोटे बच्चों के लिए ना, छोटे। अब देखिए यहाँ पर बड़ी वाली मिल जाती है, इस तरह से ये बच्चों की छोटे छोटे बंदूक आपको मिल जा रही हैं। यहाँ पे कोई पटाखों का कोई चक्कर नहीं है, आप देख सकते हो भैया, ये बच्चों के ग्रीन पटाखे हैं जो बच्चे खेलने के काम में यूज़ में लेते हैं, ठीक है? इस तरह से मार्केट में ये दुकानें लगी हुई हैं, आइए अपने बच्चों के लिए ख़रीदिए, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक है? आइए आप यहाँ पे, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे आइए, सामने दुकानें आपको मिल जाएंगी, ठीक है? ये देखो भैया मिल जाएंगे। हाँ, और ये तुम्हारी भी दुकान है क्या जी? किस ये क्या बेच रहे हो अभी फिलहाल? ये बच्चों का आइटम है, बच्चों का जो छोटे मोटे बंदूक हो गई। हाँ, ये बंदूक कितने कितने की बंदूक है भैया? 50 रुपये की। और इससे कम का भी है कोई? इससे कम का भी है, 20 वाला है। अच्छा 20 वाला है, दिखाओ भैया 20 वाला, 15। अच्छा देखो काफ़ी बढ़िया है ना, मस्त वाली। ये कितने का? 15 का? ये 20 रुपये का है। अच्छा 20 का है। और ये कोई पटाखे का बच्चों का दिखाओ जरा खोल के, कैसा है देखने में बच्चों का ये? हाँ आइटम है,
बुरादे में इनमें 200 दाने हैं। 200 दाने हैं बच्चों का आइटम। अच्छा, तो कितने रुपए का भैया ये? ये 150 में मिल जाएगा। ये पूरा डब्बा ही 150 का है? हाँ, ये 150 का है पूरा। चलिए, बहुत अच्छी बात है भैया, थैंक यू। और ये बताओ कि अपने पास में जो बच्चे फुलझड़ी वगैरह, फुलझड़ी वगैरह नहीं है, माची से बैंड कर रखा है, पूरी तरह से बैन है ना। हाँ, वो एक तरीके से पॉल्यूशन है, इस तरह से बैन कर रखा है, इस वजह से। देखिए, फुलझड़ी है हाँ बच्चों के लिए, है ना। कितने रुपए का भैया ये? 200 में है। 200 रुपए का। चलिए भैया, बहुत 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 थैंक यू आपको। ओके, थैंक यू ना। और कौन सी आईडी है ये? रोशन ब्रो। रोशन ब्रो जाइए, आप देखिए, बहुत नॉलेज वाली वीडियो बनती है। थैंक यू रोशन ब्रो। ये देख सकते हो, पटाखे नहीं, बच्चों के ये काम की चीज़ें, बड़ों का कुछ नहीं है इसमें, पूरी तरह से इको फ्रेंडली वाली चीज़ें हैं। और इधर भी आप देख सकते हो, सामने सामने भी इधर दुकानें मिलेंगी, घर की डेकोरेशन के सामान आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। ठीक है जी, ये तो जला दे इसको। अच्छा, ये माचिस वाला भी है? ये जलता है ऐसे, आग लगती है। अच्छा अच्छा, ये पानी नहीं में डाल देते हैं, फूट जाती है। पानी वाला बम भी बोलते हैं इसको। पानी वाला बम भी बोलते हैं ना, माचिस वाले बोलते हैं। चलिए बढ़िया, ओके ठीक है। तो अब मैं आपको जो है आगे भी ले चलता हूँ। और इस तरह से मार्केट है पूरी, ये देखिए। देख सकते हो मार्केट, क्या हाल है छोटू? बढ़िया, सब ठीक है? क्या बेच रहे हो ये? क्या बेच रहे हो? क्या बेच रहे हो? अरे पटाखे हैं, सबने बताए हैं, आप क्यों नहीं बता रहे हो? हाँ, तो ये बताओ बच्चों के हैं ये? बच्चे। ग्रीन क्रेकर्स, ग्रीन क्रेकर्स है ना? हाँ। जो ग्रीन पटाखे होते हैं, के पटाखे बच्चे के लिए, बच्चे के लिए ना। कितने कितने का बेचते हो ये? 80 रुपए का। कौन सा 80 वाला है? 180 रुपए का। ये 180 का है। कितने पीस निकल जाते हैं इसमें? 10 पीस निकल जाते हैं। 10 पीस निकल जाते हैं, चलिए बढ़िया है। चलो भाई, थैंक यू। ये देखो, जाओ जाओ घर जाओ। जाओ घर जाओ, अबे तो डांस करे, जाओ घर जाओ। क्या क्या ये डांस करके दिखा रहे हो? डांस? अच्छा, डांस आता है तुम्हें करना? है अरे हे, कहाँ रहते हो? यहाँ कहाँ रहते हो आसपास? यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ कहाँ पे रहते हो आप? इधर कहाँ रहते हो? कहाँ? पार्क में रहते हो? पार्क। ये कहाँ पर है? वहाँ रहते हो? तो तुम सारे लड़की हो? तो यहाँ कहीं तुम्हें मतलब यहाँ घूम रहे खुले में, डर नहीं लग रहा है तुम्हें? इतनी गाड़ियाँ यहाँ पे चल रही हैं, तुम्हें डर लगता नहीं है क्या? अबे डर नहीं लगता तुम्हें? हैं, ये गलत बात है, तुम लोग ऐसे खुले मत घूमो, यहाँ पे गाड़ी चलती है, दब जाओगे फिर। हमको सारे जानते हैं। सारे जानते हैं, गाड़ी तो नहीं जानती ना आपको? गाड़ी क्या मतलब जो है, तुम्हें ब्रेक मार मार के चलेगी क्या? ऐसे मत करो, गाड़ी पे ऐसे रोड पे खुले नहीं चलना है आपको, ठीक है? ऐसे रोड पे नहीं दौड़ना है, इस वाली लाइन पे चलो, ऐसे बीच में मत चलो, ठीक है? जाओ, अब जाओ, अब जाओ। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बच्चों को पैसे नहीं देता, ठीक है? मैं बच्चों को पैसे नहीं देता, क्योंकि वो अगर जो पैसे दूंगा तो फिर आदत तुम्हारी ज़्यादा ख़राब होगी, फिर और तुम बीच सड़कों पर चलना शुरू कर दोगे। पान खा रही है तुम? पान हैं? क्या उम्र है तुम्हारी? पान खा रही है? गलत बात है। बाबा अंकल कैसे हैं? बढ़िया हैं। ये क्या अंकल जी, किस टाइप का पटाखा है या फिर क्या है? ग्रीन, ये सिर्फ जमीन से मारने का छोटा है बस, और वैसा कोई पटाखा नहीं है ना? ऐसा कोई पटाखा ही नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए। कितने रुपए से शुरू हो जाता है पटाखा अपने पास? पटाखा यही है 125, 150, 250। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल मार्केट बेकार हो गई है। हाँ, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लोग सेल नहीं कर पा रहे हैं ना, पटाखा नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, ये छुटपुट है बच्चों का, मार से जमीन से। हाँ बिल्कुल, वाला कोई है नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ये ग्रीन पटाखे होते हैं? हाँ। ये पूरी तरह से ग्रीन पटाखे होते हैं जो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, है ना? पूरी तरह से नहीं है। ठीक है अंकल जी, थैंक यू।